हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज अब इस वीडियो में आपको स्लीव्स की कटिंग करना बताएंगे, जिसमें कि कपड़े कम रहते हैं और हमें जोड़ लगाना पड़ता है, तो कैसे ही स्लीव्स को कट करके निकालें। आइए आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। ये आप कपड़ा देख सकते हैं कि हमारी समीज कटने के बाद ये हमारा साइड में इतना ही कम कपड़ा बचता है, और ये साइड में हमारी पट्टी लगी हुई थी जिसको मैंने कट करके निकाल लिया है, क्योंकि ये नीचे स्लीव्स के बॉटम पर लग जाएगा, तो इसको हम साइड कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि कपड़ा हमारा इतना ही बचा है और ये साइड में ऊपर की तरफ से इतना बचा है, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं है इसमें। तो चलिए स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हम इस कपड़े को नाप लेते हैं। सो इसमें हम लोग जोड़ लगाएंगे, तो बाजू की कटिंग कैसे करेंगे, स्लीव्स को जोड़ लगा के कैसे निकालेंगे, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसकी हम लोग लंबाई ले लेते हैं, तो स्लीव्स की लंबाई हमें लेनी है 20 इंच। आपको जितनी लंबाई लेनी हो आप उतना अपनी स्लीव्स की लंबाई को ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई को 20 इंच ले लिया। अब इसको हम कट करके निकाल लेंगे। सो आप देख सकते हैं कि हमारा कपड़ा बस इतना ही है, इतने में हमारी स्लीव्स की कटिंग नहीं हो पाएगी, इसमें जोड़ लगेगा हमारे। सो इसकी हम लोग चौड़ाई नाप लेते हैं कि ऊपर नीचे कितनी चौड़ाई रहती है, उसी हिसाब से हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। सो गाइस अक्सर कपड़े कम होते हैं, तो चलिए हम लोग कम कपड़े से बाजू की कटिंग कर लेते हैं। यह आप देख सकते हैं कि मैंने 4 या 3 इंच की चौड़ाई को नापते हुए हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। यह आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ से स्लीव्स कट करके हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा पल्ला है जो नीचे से कपड़े को कट किया। इस कपड़े को हम लोग यहाँ से इसको रखते हुए निशान लगा लेंगे, ताकि ये हमारा स्लीव्स कट के निकल सके, और यहाँ से हमारा साइड से जोड़ लगेगा जिसको हम लोग आगे की तरफ रखेंगे। इस कपड़े को भी कट करके हम लोग निकाल लेते हैं। अब चलिए हम लोग स्लीव्स का निशान लगा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी स्लीव्स की चौड़ाई है बॉटम में 5 इंच, और इसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेने होंगे। सो आप देख सकते हैं कि हमारा 7 इंच का चौड़ाई लिया जाएगा। अब हमें ऊपर की तरफ से आर्म होल्ड का निशान लगाना है। 10 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। सो आप देख सकते हैं, अब इसमें हमें ऊपर की तरफ से नीचे डाउन करना है 4 इंच पर। 4 इंच पे एक निशान हम लगा लेंगे, जिससे हम लोग को स्लीव्स को डाउन करना है। ऊपर से हमें बीच के सेंटर से लेते हुए 4 इंच का निशान लेना है। अब यहाँ से हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ गोलाई कर लेंगे, जो कि आर्म होल्ड का निशान लगता है। सो गाइस देख सकते हैं कि स्लीव्स में निशान लगाने के लिए बहुत ही आसान है जो आप देख रहे हैं इसमें। सो अब हमें नीचे से ऊपर तक का निशान लगाना, जितनी ही आपकी स्लीव्स का हो। इसमें हम 7 इंच और ऊपर की तरफ लेंगे। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ तिरछा इंची टेप रख के निशान मार लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि निशान हमने कर लिया है तिरछा, स्लीव्स का निशान बहुत ही अच्छे से लग चुका है। सो गाइज हम लोग आगे की तरफ जितना ही आर्म होल्ड एक्स्ट्रा कटिंग होती है, तो उसका भी हम लोग निशान लगा लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा 1/2 इंच का मार्क कर लेना है। सो गाइज स्लीव्स का निशान तो बहुत ही अच्छे तरीके से लग चुका है। आप देख सकते हैं हमारी ये 1 इंच 1.5 इंच की मार्जिन अंदर रहेगी, बहुत ही अच्छे से स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और आगे की तरफ जोड़ रहेगा। तो चलिए हम लोग इस स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, जो कि गला वाला बनाने में बहुत ही आराम होगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारी स्लीव्स पीछे से एकदम बराबर है, और ये आगे की तरफ देख सकते हैं कि ये हमारा जोड़ है, जो कि जोड़ हमारा यहाँ दोनों सीधे से सीधा मिलाकर कपड़े को जोड़ कर लेंगे, और ये जोड़ हमारा कपड़े पर समीज के आगे की तरफ लगते हैं, पीछे की तरफ नहीं लगते हैं। तो इस जोड़ को ध्यान से स्लीव्स को आर्म होल्ड की तरफ अटैच करना है, जो कि आगे की तरफ रहेगा। कोई भी गड़बड़ी नहीं करना है, नहीं तो स्लीव्स बहुत गलत हो जाएगा और बहुत ही ख़राब लगेंगे। सो ये जो जोड़ का डिज़ाइन है वो हमारे आगे की तरफ रहेगा, समीज के आगे पार्ट में होगा। सो गाइज आप देख सकते हैं कि मेरी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये हमारा बीच का कट लग जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये स्लीव्स का हमारे बीच का सेंटर है।
सो गाइस हमारे यहाँ से जोड़ लग जाएगी, इसमें एक सिलाई लगा के टॉप स्टिच दिला जाएगी। सो आप देख सकते हैं एक स्लीव्स बहुत अच्छे से कट के निकल चुकी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कभी भी स्लीव्स में कपड़े कम हो तो ऐसे ही आप स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। एक और भी जोड़ लगते हैं जो कि मैं अगली वीडियो या नेक्स्ट वीडियो में आपको स्लीव्स की कटिंग करना बताऊँगी। सो आप देख सकते हैं कि हमारी स्लीव्स की कटिंग बेहतर हुई है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।